देखिए, मन एक बादल की तरह है, आप उसे कोई भी आकार दे सकते हैं। आप उसे देवतुल्य बना सकते हैं, शैतान बना सकते हैं, सुअर बना सकते हैं, आप उसे जो चाहे बना सकते हैं। ये एक आकार रहित चीज है। तो आप अपने चित्त को जो आकार देते हैं वो हमेशा दुनिया में अभिव्यक्त होगा, क्योंकि ये इसके पीछे जीवन निर्माण की ऊर्जा लगी है। सफलता तो आसानी से आएगी, किसी जादू के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अपनी पूरी क्षमता से काम किया है। मैं जो कह रहा हूं उस पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो क्या आप जान पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं? नहीं। ऐसा जीवन के हर पहलू के साथ है ना? अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि आप क्या खा रहे हैं, सांस में क्या ले रहे हैं या क्या हो रहा है। इंसान होने का मतलब है, इंसान की जो अनोखी चीज है, कि हम वही चीजें करते हैं जो दूसरे जानवर करते हैं। बात बस इतनी है कि जो कुछ जानवर कर सकते हैं हम भी वही करते हैं, लेकिन हम उसे चेतनापूर्वक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। और किसी चीज को जागरूकता से करना नहीं आएगा अगर आप उन चीजों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते जो आप करते हैं या जो आप नहीं करते। खासकर वो चीजें जो आप नहीं करते उनकी ओर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, वरना वे आपके अंदर घुस जाएंगे। तो ये ध्यान देने की कमी इसलिए आई है बिकॉज पीपल्स आइडिया ऑफ एजुकेशन इज इंफॉर्मेशन, क्योंकि शिक्षा के बारे में लोगों की सोच है जानकारी। अभी इंसानी एजुकेशन सिस्टम का तरीका आप पर जानकारी का ढेर लगाना बन गया है। किसी भी दिमाग पर जितनी ज्यादा जानकारी आप लगाते हैं या कहें बचपन से भरते हैं, उसमें ध्यान देने के प्रति उतनी ही अरुचि हो जाएगी, क्योंकि कुछ भी जाने बिना जानकारी आपको एक झूठी भावना देती है कि आप कुछ जानते हैं। यह अब एक फैशन बन गया है। आज अगर आपको एक डिनर पार्टी में आमंत्रित किया गया है तो आप गूगल पर 100 करोड़ आकाश गंगाओं की जानकारी खोल लेते हैं। उन सभी को नंबर और नाम दे दिए गए हैं, ठीक है, वो 566BZ, वो गैलेक्सी, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी पता है, आपने गूगल पर खोजा है। ये दो वाक्य पढ़ लेते हैं और पार्टी में जाते हैं। जो भी आपसे बात करता है वे कहते हैं, आप कैसे हैं? आप कहते हैं, अरे क्या आप इस गैलेक्सी के बारे में जानते हैं जो करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है, जिसका नाम बीबी जो भी हो? आप उसके बारे में बात करते हैं। हर किसी को लगता है कि आप स्मार्ट हैं। पूरी दुनिया के साथ फिलहाल यही समस्या है, हम जानकारी को बुद्धिमता के रूप में गलत ले रहे हैं। एक उद्यमी या कोई भी व्यक्ति जो किसी स्थिति में रास्ता बनाना चाहता है, उसे बुद्धिमता की जरूरत है, बस जानकारी की नहीं। जानकारी थोड़ी उपयोगी हो सकती है, लेकिन यह बुद्धिमता है जो आपको किसी खास स्थिति से एक अनोखे तरीके से गुजरने में सक्षम बनाएगी, वैसे नहीं जैसे कोई दूसरा कर रहा है। हम जानकारी को बुद्धिमता समझने की गलती कर रहे हैं। एक बार जब आप खुद पर बहुत ज्यादा जानकारी लाद देते हैं तो आप ध्यान देना एक गंभीर समस्या होती है। जब आप कोई ध्यान नहीं देते, जब आप में अपने ध्यान को कायम रखने की कोई क्षमता नहीं होती, तो आप अपनी बुद्धिमता तक पहुंचने की क्षमता भी खो देते हैं। आप बस याददाश्त में जानकारी फेंटते रहते हैं। एक सुंदर वाक्य है, आपने एंड्रू कार्नेगी के बारे में सुना है? जब एंड्रू कार्नेगी ने अपना उद्यम शुरू किया तो थोड़े ही समय में वो बहुत सफल हुए और उन्होंने बहुत पैसा कमाया। उस समय, ठीक है, वो गूगल या फेसबुक या ट्विटर का युग नहीं था जहां लोग 2 सालों में खरबपति बन जाते हैं। उन दिनों लोगों को निर्माण के लिए उद्योग वगैरह लगाना होता था, ये और वो करना होता था, पैसा कमाना पड़ता था, जिसमें दशक या पीढ़ियां लग जाती थी। तो इस आदमी ने बहुत कम समय में बहुत पैसा कमा लिया। लोगों को शक हुआ, अमेरिकी सरकार को शक हुआ कि वो कुछ गलत कर रहा है, तो उन्होंने जांच के लिए एक सेनेट कमेटी बनाई और कार्नेगी से हर संभव सवाल पूछे और उन्हें पता चला कि उसके बिजनेस में कुछ भी गलत नहीं है। फिर उन्होंने पूछा, आपने इतना पैसा कैसे कमाया और इतने सफल कैसे हुए? तो एंड्रू कार्नेगी ने बहुत ही साधारण बात कही, देखिए मैं अपने दिमाग को किसी चीज पर 5 मिनट तक लगातार केंद्रित रख सकता हूं, 5 मिनट तक। क्या आप में से कोई ऐसा कर सकता है? सभी सेनेटर सोचने लगे, 5 मिनट में क्या मुश्किल है? और उसने एक प्रयोग सेटअप किया। उन्होंने अपना ध्यान टिकाने की कोशिश की, वे कुछ सेकंड तक भी नहीं टिका पाए, एक पल यहां दूसरे पल वहां। ज्यादातर इंसानों की यही दुर्दशा है। तो तब कार्नेगी बोले, आपको अमेरिका का शासन नहीं चलाना चाहिए। तो इंसानी क्षमता चित्त नाम की एक चीज होती है, यह अलग चीज है। देखिए, अंग्रेजी भाषा में सिर्फ एक शब्द माइंड है,
मोटे तौर पर आप मन के याददाश्त वाले हिस्से को मन मानते हैं। योगिक सिस्टम में मन के चार मुख्य पहलू हैं। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मन का याददाश्त वाला हिस्सा सबसे कम महत्व का है। ये चित्त है जो चेतना से जुड़ा होता है और वही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने चित्त के लिए कोई आकार देते हैं तो वो आकार हमेशा अभिव्यक्त होगा, क्योंकि इसे जीवन निर्माण की सामग्री से शक्ति मिलती है, जिसके लिए हम उचित शब्दों के अभाव में चेतना शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। That which is the basis of life. वो जो जीवन का आधार है। जब आपका मन उससे जुड़ जाता है तो आपका मन जो आकार लेता है, देखिए मन एक बादल की तरह है, आप उसे कोई भी आकार दे सकते हैं। आप उसे देवतुल्य बना सकते हैं, शैतान बना सकते हैं, सुअर बना सकते हैं, आप उसे जो चाहे बना सकते हैं। ये एक आकार रहित चीज है। तो आप अपने चित्त को जो आकार देते हैं वो हमेशा दुनिया में अभिव्यक्त होगा, क्योंकि ये इसके पीछे जीवन निर्माण की ऊर्जा लगी है। तो यही मन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, ना कि याददाश्त। याददाश्त सिर्फ भौतिक पहलुओं को संभालने के लिए महत्वपूर्ण है। आखिरकार एक उद्यमी बस भौतिक चीजों को संभालने की कोशिश कर रहा हो, ये ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक उद्यमी का जीवन एक उत्साहपूर्ण एडवेंचर बन जाए, जिसमें नई संभावनाएं खोजने की उसकी प्रक्रिया उसके अनुभव में सचमुच नई संभावना बन जाए, बस एक आर्थिक संभावना ही नहीं। और ये संभावना एक उद्यमी के जीवन में मौजूद है कि वो अपने उद्यम को एक आध्यात्मिक संभावना और आध्यात्मिक विकास में बदल सकता है, या अपने अस्तित्व के विकास में, जिसे मुझे लगता है कि सभी को खोजना चाहिए। यही वजह है कि हम एक आध्यात्मिक तत्व लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बढ़कर सफलता तो आसानी से आएगी, किसी जादू के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अपनी पूरी क्षमता से काम किया है। अगर आप क्या आप जानते हैं कि स्कूलों में तीन टांगों वाली दौड़ नाम का एक खेल होता है। हालांकि आपकी तीन टांगे होती हैं, लेकिन आप धीरे भाग पाते हैं, दो टांगों से आप तेज भागेंगे, है ना। अगर आप सिर्फ संख्याओं को देखें तो तीन टांगों के साथ आपको ज्यादा कुशल होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा जानकारी का मतलब है कि जो चीज आपकी नहीं है उसे आप अपनी याददाश्त से जोड़ लेते हैं और उसके साथ अपनी पहचान बना लेते हैं। आप जितना ज्यादा वैसा करते हैं आप उतने ही कम असरदार बन जाते हैं। लेकिन फिलहाल हमारी शिक्षा की पूरी सोच जानकारी देना है, और इंटरनेट भी है। एक 12 साल का बच्चा जानता है कि वहां करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, जो उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है। दिस इज ओनली फॉर बोस्टफुलनेस। ये बस शेखी मारने के लिए है, और सबसे बढ़कर ये आपकी ध्यान देने की क्षमता को नष्ट कर देगा, क्योंकि ध्यान देने का आधार ये है कि आपको एहसास है कि आप इस ब्रह्मांड में एक कण को भी ठीक से नहीं जानते, आप एक परमाणु को भी पूरी तरह से नहीं जानते। इसी वजह से आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं ये जानता हूं तो आप ध्यान नहीं दे सकते। जानकारी होने का घमंड ही आप में ध्यान देने की कमी पैदा कर सकता है।